पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान पर मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, बोले इनके स्टैंड से पाकिस्तान बहुत खुश। पीएम मोदी बोले जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एजेंडा है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस और पाकिस्तान का इरादा और एजेंडा एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। अमित शाह बोले कांग्रेस ने हमेशा सेना का मनोबल गिराया है, अब जम्मू कश्मीर में 370 और आतंकवाद वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान के बयान से एक बार फिर एक्सपोज हुई कांग्रेस। पाकिस्तान को उमर अब्दुल्ला ने दी कड़ी नसीहत, कहा पाकिस्तान को हमसे क्या लेना देना, अपना मुल्क पहले संभाल। कटरा में बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक, बोले कांग्रेस के वारिस कहते हैं हमारे देवता भगवान नहीं है, हमारे देवताओं का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कटरा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बोले कांग्रेस की सोच नक्सली, इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, कांग्रेस का शाही परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी घेरा, बोले इन दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव किया है, कश्मीर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। रैली से पहले कटरा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ा, प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कटरा से पहले पीएम ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रैली की, कहा लोकतंत्र का उत्सव मना रहा जम्मू कश्मीर, पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग। फिर तीन खानदानों पर बरसे पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए तीन खानदान जिम्मेदार, तीन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी। पीएम मोदी ने कहा अब जम्मू कश्मीर इन तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा, सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस एनसी और पीडीपी ने कश्मीरियत को रौंदा, इन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर समझा, कश्मीर को लूटना अपना पैदाइशी हक समझा। पीएम मोदी बोले यहां की जनता को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा, स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं, नए नए कॉलेज खुलने की खबरें आती हैं। हरियाणा के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र, 2 लाख पक्की नौकरी और 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के 20 संकल्प में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान, 24 फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए हैं, आज हरियाणा बेरोजगारी महंगाई में नंबर वन। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का हुड्डा ने किया दावा, कहा आप चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा में गठबंधन हो, केजरीवाल के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेगी, आतिशी पुराने मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन नई सरकार में भी मंत्री। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश शहलावत होंगे नया चेहरा, एससी एसटी कोटे से बनेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री, सुल्तानपुर मांझा से पहली बार के विधायक हैं अहलावत। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सभी 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, एक मंत्री की जगह फिलहाल खाली रहेगी। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की, 1000 करोड़ रूपये की परियोजनाओं की सौगात दी। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने सपा प्रमुख को बताया रामद्रोही, कहा अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश यादव और पाकिस्तान को परेशानी। योगी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक, बोले 12 बजे सोकर उठते थे बउआ, सपा शासन में चरम पर थी, अराजकता, माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। नवादा कांड को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा, घटना की पूरी जानकारी मांगी। नवादा की घटना पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है, मामले पर गंभीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नवादा की घटना पर बिहार पुलिस ने जारी की प्रेस रिलीज, कहा घटना के पीछे 1995 से लंबित जमीन विवाद, अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोग गिरफ्तार। दलित बस्ती में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बोले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में आग ही आग। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बिहार सरकार पर हमला, कहा बिहार में पूरी तरह जंगल राज, सरकार चैन की नींद सोई हुई है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी को बताया जिम्मेदार, कहा पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो सब यादव। नवादा की घटना पर जीतन राम मांझी के बयान पर लालू यादव ने साधा निशाना, कहा जीतन राम मांझी गुमराह कर रहे हैं, देखेंगे कि पता करेंगे कि नवादा में क्या हुआ है। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्सपोस्ट, लिखा महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
नवादा आगजनी पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट, कहा बहुजनों के खिलाफ अन्याय की डरावनी तस्वीर, एनडीए के नेतृत्व में अराजक तत्वों का शरण। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्टर लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर, पीड़ितों को पुनर्बसाने की व्यवस्था करे सरकार। झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प, विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उर्दू मध्यम विद्यालय के छत से हुआ पथराव, समुदाय विशेष के लोगों के पथराव में कई लोग घायल, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। बड़ागांव इलाके में तनाव के कारण भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एक राष्ट्रीय चुनाव में डूबेगी अखिलेश यादव की नैया, विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला किया। एक देश एक चुनाव पर लालू यादव का बयान, मोदी सरकार और मोदी गलत कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब, लिखा गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी, बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताया। पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी है, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एजीआर बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, 2019 में वोडाफोन एयरटेल सहित कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशनों की नींव का काम पूरा, बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने जानकारी दी।